गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक मेजरमेंट। कन्वर्ट मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी जो भी यूनिट उसको लेंथ में चेंज करना, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ईटीसी। जैसे आपको सबसे पहले फर्स्ट है नंबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर होता है उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। फिर सेकेंड है 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। सो नाउ सम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस। ए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, 50 मिलीमीटर। सो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10। तो आपको पूछा है कि 5 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर कितना आ जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 50 मिलीमीटर आ गया। यानी मिलीमीटर को शॉर्ट में हम एमएम भी लिख सकते हैं। आफ्टर देन बी एग्जांपल आपके सामने 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आपके सामने दे 8 मीटर दे रखा है, 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 8 में 7 दे रखा, तो 7 को 100 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 700 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम सीएम लिख सकते हैं। थर्ड है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। सो मैंने लिखा है 9 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 9 में कितने हो जाएंगे, 9000। सो मैंने 9 को 1000 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 9000 मीटर आ गया। इस टाइप से अपने को मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। थैंक यू।